भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड स्थित प्रसिद्ध व्यवसायी शंभू टिबरेवाल के घर 24 अगस्त को हुए डकैती मामले में पुलिस ने एक अपराधी को धर दबोचा है। भागलपुर के सिटी एएसपी पूरन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डकैती मामले को लेकर सीनियर एसपी नितासा गुड़िया ने गंभीरता से लेते हुए मामले के उद्भेदन को लेकर विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें सिटी एएसपी सहित कई थानों के थानेदार शामिल थे। विशेष टीम ने मानवीय पक्ष और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डकैती कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस दल ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती निवासी राजन कुमार को लूटे हुए 9000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के द्वारा डकैती कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए घटना में शामिल सभी अपराधियों के विषय में जानकारी दी गई है। विशेष टीम लूटे हुए सामान और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत थाना अध्यक्ष तिलका मांझी, थाना अध्यक्ष जोगसर, थाना अध्यक्ष बबरगंज एवं थाना अध्यक्ष मधुसूदनपुर शामिल थे। टीम के द्वारा घटना का सफल उद्भेदन किया गया एवं घटना में शामिल एक व्यक्ति राजन कुमार प्रेषक सियाराम पासवान को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 9000 रुपए और घटना में प्रयोग किया हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। नेको का मामला बताया जा रहा था कि 9000 रुपए जी, इसमें इसके अलावा लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी शामिल है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अन्य रिकवरी अभी संभव है। छापेमारी लगातार की जा रही है। इनकी गिरफ्तारी उसके पास से क्या हुआ? जिसके पास से गिरफ्तार जो जिसे किया गया, जैसा आपको बताया गया है कि उसके पास से 9000 रुपए कैश में, क्योंकि ये लाइनिंग का काम कर रहा था, तो इसके पास 9000 जो कैश इसको मिला था वो पूरा बरामद किया गया है एवं इसका मोबाइल जो घटना में प्रयोग कर रहा था वो बरामद है। दाई सस्पेक्टेड बताई जा रही थी, दाई का भी कोई इन्वॉल्वमेंट अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। गिरफ्तारी के बाद आपको बताया जाएगा। क्या सर सनोज यादव के फरार होने का मामला सामने आया है? क्या कुख्यात सनोज यादव का फरार होने का मामला सामने? देखिए, अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है तो किसी अपराधी के बारे में बताना उचित नहीं होगा। जैसे जैसे गिरफ्तारी होती जाएगी आप लोगों को उचित माध्यम के द्वारा बता दिया जाएगा। अपराधी द्वारा कोई और जानकारी दी गई है? सर उसने घटना में शामिल अपनी संलिप्तता स्वीकार करी है और शामिल अन्य लोगों के नाम बताए हैं। भागलपुर में इन दिनों नशे का कारोबार काफी तेजी से फैल रहा है और इसकी जद में नवयुवक आते जा रहे हैं। नशे के दलदल में अपने बच्चों और समाज के युवाओं को जाता देख और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता देख भागलपुर में लोगों ने नशा के कारोबार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और अब इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के झोपड़पट्टी के समीप का है, जहाँ लगातार नशे के कारोबारियों के द्वारा लगातार युवाओं और कम उम्र के किशोरों को नशीले कफ सिरप और टेबलेट बेचे जाने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने भारी मात्रा में कोरेक्स और नशीली दवाई बरामद कर स्थानीय बरारी थाने को सुपुर्द कर दिया। दवाइयों का जहां ढेर मिला है वहां से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और नशे के कारोबारी फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा नशीली दवा बरामद होने की सूचना बरारी थाना को दिए जाने के बाद मौके पर पहुंचे एएसआई रामप्रसाद यादव को स्थानीय लोगों ने कोरेक्स और नशीली दवा ले जाने से मना कर दिया और मौके पर थानेदार अमित कुमार को बुलाए जाने की मांग की, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने लोगों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए जल्द से जल्द सभी नशा के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर ही संगीन आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस की छत्र छाया में ही नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, इससे युवाओं का जीवन तो बर्बाद हो रहा है, आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। हम आपको बता दें, 4 बोरों में रखी नशीली सिरप कोरेक्स, लगभग 450 बोतल और नशे के लिए प्रयुक्त होने वाले टैबलेट नाइट्रोजन 149 छोटा, 25 बड़ा, स्पैस्मो 40 पत्ता पुलिस को स्थानीय लोगों ने सुपुर्द किया है। समाज में आए दिन हर लोग नशा का शिकार होते जा रहे हैं और नशा का शिकार होने का वजह है कि नशा इस तरह से खुलेआम बिक रहा है, जिस तरह से कालाबाजारी बढ़ रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सरकार जब से बने हैं तो नशा युक्त पूरा शहर और पूरा राज्य को बनाना है, लेकिन इस राज्य के अंदर आप देख रहे हैं कि आए दिन एक छोटा छोटा बच्चा ड्रग्स का शिकार होते जा रहा है, हर लोग बदनाम कर रहा है, हर लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करने के जगह नशा की आदि बना रहा है। हमरो बेटा चाकू मार लके ओकरो बाद चाकू मारी करी के ओकरो बाद हमरो घरो पर गेले बम फेकेल हमरा सनियर भाई को की नाम छले ओकर मन्नी की करी जो सब ओ सब नशा बेचे छी मना करे तो चाकू मारे छी। हां चाकू भी मार दिया है, देखिए सर, देखिए चाकू मारा है कि नहीं मारा। जिसमें कि बहुत तरह के दो नंबर के लोग यहाँ आते जाते, बहुत भीड़, 12-1 बजे रात तक। जिसमें कि समाज में पहल हुई, पहल क्या हुआ कि जैसे इस तरह का काम गलत है, जो काम कर रहा है
उनका ना यहाँ जमीन है ना कुछ है, कुछ भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पे गलत कर रहा है। उस वजह से समाज के लोग मिल के पूरे समाज इस पे मना किया। मना करने के बाद माना या नहीं माना वो आदमी नहीं है, जब गया वहाँ हम लोग सब वहाँ पे गए तो उस वजह से इतना माल पकड़ाया। फिर प्रशासन देखिए ये बोरा में था और जिस जगह बिकता था उसी जगह से मिला। हाँ लिखित के रूप में दिया गया, स्थानीय थाना और सब थाना यहाँ के रेड भी मारे, रेड मारता था पकड़ाता था फिर बिकता था, फिर कभी बंद नहीं हो सका। इसीलिए समाज वाले लोग यहाँ जागरूक हो गया, इस वजह से ऐसा नहीं होगा। जागरूकता तो बोलिए इस तरह की छोटी छोटी घटना होती थी तो लोग जो है ध्यान नहीं देता था, तो यहाँ पे देखते हैं बाहर से भी लंगा लुच्चा आ करके बदमाशी करने लगा, जिसके फलस्वरूप समाज जागृत हुआ। जागृत के कर्म में हम लोग जब खोजबीन किए तो घर के आसपास उसके जो है 400 लमसम जो है कोरेक्स किया टैबलेट यही सब निकला। तो इसमें तो कल से ही रात को मीटिंग पहले समाज के ओर से बैठा, उसके बाद इस पे कार्रवाई हम लोग किए। और यहाँ जो पुलिस प्रशासन जो भी है मुख्य रूप से उसको अगर उसको जानकारी पूर्ण रूपेण है, उसके बावजूद जो है वो आकर के यहाँ पे खाली आपका बोलिए महीना बना हुआ है उसका, जिसके कारण से यहाँ इसके छत्र छाया में यहाँ पे चलता है। ठीक है। भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के माखा तकिया में वार्ड 15 के पार्षद सिमिया देवी के पति विनोद सिंह के द्वारा रंगदारी नहीं दिए जाने पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई। गोलीबारी की आवाज सुनकर जुटे ग्रामीणों ने अपराधियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद अपराधी दो बाइक छोड़कर फरार हो गए। पार्षद पति विनोद सिंह ने बताया कि धन्ना यादव और पवन यादव अपने सहयोगियों के साथ उनके घर आधम के और रंगदारी दिए जाने की मांग की। रंगदारी का विरोध करने पर धन्ना और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पार्षद पति ने 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिए जाने की बात कही। पकड़ने के बाद तरह तरह गोली चलाने लगा, चलाता था हम छिपते थे। हमारा भाई भी हाथ कट गया और 10-15 दिन पहले वो हम पर बोला कि ये 1 लाख रुपया दो ना तो गोली मार देंगे। कौन धन्ना यादव और हरिया यादव और पवन यादव तीनों आके उसका बाइक भी सर यहाँ पे है हमारे घर के पास में, वो गोली चलाया वार्ड पार्षद के सामने में। हम ही वार्ड पार्षद बोल रहे हैं, हम बच गए सर, गोली लगते लगते हम बच गए। हमारा भाई भी जख्म भी है, उसका हाथ में जख्म है। 24 घंटे उसको बोलिए गिरफ्तार करने के लिए। बिहार में शराबबंदी है, यानी राज्य में शराब खरीदने बेचने रखने और पीने पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन इस कारोबार से करोड़पति बनने का स्वाद ले चुके तस्कर मानते ही नहीं। शराबबंदी के बावजूद झारखंड और बंगाल सहित देश के हर राज्यों से तस्करी के जरिए लगातार बड़े पैमाने पर शराब बिहार लाए जा रहे हैं। तस्करी के इस कारोबार के लिए झारखंड की सीमा से लगे बांका जिले की सड़कों का इस्तेमाल खूब हो रहा है। बांका में शराबबंदी को लागू कराने के लिए जिम्मेदार विभागों को भी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बांका उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसे जारी रखते हुए शनिवार को बांका उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल की है। बांका जिले में उत्पाद विभाग की पिछले 2 माह के दौरान यह 5वीं बड़ी सफलता है। विभाग के एक छापामारी दस्ते ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बांका जिला अंतर्गत बौसी थाना क्षेत्र से एक ट्रक पर लदी विदेशी शराब की तकरीबन 250 पेटियां जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। बांका के एक साइज सुपरिटेंडेंट अरुण कुमार मिश्र ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई भागलपुर दुमका हाईवे पर बौसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंडारी चक के समीप की गई है। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण आर मलार बीजी भागलपुर के नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र पहुंची, जहां प्रशिक्षु सिपाहियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षु सिपाहियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट भी निकाला गया। खुली जीप पर सवार होकर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण ने CTS के प्राचार्य मिथिलेश कुमार के साथ परेड का निरीक्षण भी किया। भागलपुर रेलवे चाइल्ड लाइन ने बाल मजदूरी को रोकने को लेकर कवायद की है। दरअसल स्टेशन परिसर आसपास व पटरियों पर बोतल बिनने वाले, भीख मांगने वाले व पानी बेचने वाले जैसे बच्चों को इससे मुक्त कर शेल्टर होम भेजा जाएगा। साथ ही जिन बच्चों को बाल मजदूरी के लिए दलाल ले जाते हैं उन बच्चों को दलाल से छुड़वा कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। हाल ही में 18 बच्चों को दलालों के हत्थे से छुड़वा कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।
सभी बच्चों को कर्नाटक मदरसा भेजे जाने के नाम पर दूसरे राज्यों में बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर पंकज पांडे ने बताया कि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो बोतल बंद पानी बेचते हैं, बोतल चुनते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को शेल्टर होम भेजा जाएगा। CWC की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो भी बच्चे रेल पटरी के नीचे बाढ़ में शरण लिए हुए हैं उनको राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी, जिसके बाद 100 परिवारों को 1 महीने तक राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में मदरसा के नाम पर बाल तस्कर बच्चों को लेकर जाते हैं। पिछले 8 अगस्त को 18 बच्चों को दलाल से छुड़वाया गया है। तो हम लोग का हर एक मंथ एक बैठक होता है और इसका चाइल्ड हेल्प ग्रुप का, जिसमें स्टेशन के पदाधिकारी लोग शामिल होते हैं, हमारे अध्यक्ष होते हैं, स्टेशन अधीक्षक और GRP, RPF, EC वर्क, CC इलेक्ट्रिक, इन लोग के पास समस्या रखा जाता है। जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे बोतल चुनते हैं, बोतल बंद पानी बेचते हैं, तो और ये यहाँ भीख भी मांगते हैं और बहुत सारे पैसेंजर का सामान भी गायब करते हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए RPF, GRP और हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि इस बच्चे को हम लोग पकड़ेंगे, लाएंगे और CWC हमारा जो भी बच्चा आता है वो CWC के यहाँ प्रस्तुत होता है, उसके यहाँ प्रस्तुत करके इन्हें शेल्टर होम में भेजा जाएगा, जो कि ये सीख लें, इनको डर लगे कि हम आगे से अगर यहाँ बोतल चुनेंगे या पानी बेचेंगे या भीख मांगेंगे तो हमको शेल्टर होम भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हम लोग जो बच्चे को भेजते हैं उसमें एक नियम है कि अगर माँ बाप आके खड़ा हो जाएगा उसे छोड़ना पड़ेगा, तो CWC को छोड़ना पड़ जाता है। और इसमें और भी निर्णय ये हुआ कि बहुत सारे अभी परिवार जो है बेघर हो गए बाढ़ में और रेल के पटरी के किनारे में वो शरण लिए हुए हैं। तो हमारे स्टेशन अधीक्षक का कहना था कि आप लोग सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर, ये सब में रेल पटरी के किनारे में जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं उनका आप सर्वे कीजिए और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाइए और बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको देखिए। भागलपुर का ऐतिहासिक 125 साल पुराना TNB कॉलेज भवन हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल होगा। इसको लेकर सरकारी स्तर से कवायद शुरू कर दी गई है। हेरिटेज बिल्डिंग को लेकर कॉलेज स्तर से प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस संबंध में विधायक रामचंद्रपुर में व भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी पूर्व में विधानसभा में सवाल उठाया था। इसके बाद बीते वर्ष 20 अगस्त को भवन प्रमंडल भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने TNB कॉलेज के प्राचार्य को पत्र लिखा। उन्होंने TNB कॉलेज से संबंधित दस्तावेजों की मांग की। TNB कॉलेज 159 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर 19 डिपार्टमेंट के बिल्डिंग व प्रचार आवास भी 100 साल से अधिक पुराना है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य संजय चौधरी ने बताया कि TNB कॉलेज हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल करने के लिए प्रक्रिया पूरी की गई है, मैं चाहूंगा कि सरकार शामिल करे। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि TNB कॉलेज 1853 में खुला है और ये देश विदेश में काफी चर्चित है। CM जगन्नाथ मिश्रा भी यहीं से शिक्षा लिए थे, मैं खुद इंटर से PG तक यहां पढ़ा हूं। 125 साल पुराना बिल्डिंग है, मैं चाहूंगा हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल हो। मैंने कई बार इसको लेकर आवाज उठाई है। बहरहाल TNB कॉलेज बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग में कब शामिल होता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि LS कॉलेज और TNB कॉलेज तरह के जो बहुत 100 साल से ज़्यादा पुराने कॉलेज हैं उनके भवनों को आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक हेरिटेज हों, मेंटेन रहें। हॉस्टल्स जो पिछले 100 साल से चल रहा है, जिस समय भारत के गिने चुने कॉलेजेस में हुआ करता था, ये बरकरार रहे, जर्जर और टूट के गिर न जाए, इसी को ध्यान में रख के MLC रामचंद्र पूर्वे जी ने क्वेश्चन किया था और ऐसा अनुमान है, ऐसा लगता है कि जल्द ही वो हेरिटेज बिल्डिंग बिहार सरकार डिक्लेयर कर भवन निर्माण को देगी, जिससे कि TNB कॉलेज का जो थोड़ी सी भवन में काफ़ी खर्च की आवश्यकता है वो पूरा हो पाएगा। जबकि ऐसा है कि पिछले एक साल पहले स्थानीय विधायक श्री अजीत शर्मा जी ने भी एक क्वेश्चन किया था विधानसभा में, तो आधारभूत संरचना के कुछ पदाधिकारी
आए थे, उन्होंने एस्टीमेट बनाया था, लेकिन कोविड-19 के चलते वह प्रक्रिया कहां पर है ये कॉलेज प्रशासन से अवगत नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये TNB कॉलेज 1853 में स्थापित हुआ था। ये TNB कॉलेज आज से नहीं, यहाँ से जो स्टूडेंट पास किए हैं, बड़े बड़े पदों पे गए, बड़ा नाम किए हैं भागलपुर TNB कॉलेज का पूरे देश और विश्व में। निश्चित तौर पे ये TNB कॉलेज, आज तो बहुत सारे कॉलेज खुल गए, 1853 ईस्वी आप समझ सकते हैं जिसमें अंग्रेजों का राज था तब ये खुला था, इसलिए हेरिटेज बिल्डिंग तो इसको होना चाहिए। पहले भी एक विधायक ने, रामचंद्र पूर्वे जी ने उठाया था, उसके बाद मैंने भी उठाया है। मैं कई बार सरकार से भी बात किया हूँ कि आखिर ये TNB कॉलेज हेरिटेज बिल्डिंग बनना बहुत आवश्यक है, ताकि इसने बहुत कुछ दिया है देश को, ऐसा नहीं कि सिर्फ भागलपुर को दिया है। यहाँ पर जो आप डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो CM थे यहीं से पढ़े हैं, सब बड़े बड़े लोग, काफ़ी लोग यहाँ पढ़े हैं। आज बिजेंद्र यादव जी जो इतने पुराने मंत्री हैं जदयू में, भागलपुर TNB कॉलेज के प्रोडक्ट है। मैं खुद TNB कॉलेज से पढ़ा हूँ, IA से लेके PG तक, इसलिए सब लोग यहीं से पढ़े हैं। ये कॉलेज बहुत अच्छा है, इसलिए हेरिटेज होगा तो यह लोग को जो जो यहाँ से बच्चे पढ़ के निकले हैं उनको याद करेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे, और ये बिहार के लिए भी गौरव की बात होगी।